है वो मैं लिख दे रहा हूँ। चैप्टर टू केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो आप हेड डाल लीजिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम एसिड्स कर देते हैं क्योंकि हम बहुत सारे एसिड्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं ये सब देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी का। और यहां से इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, मतलब पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वो केमिस्ट्री से बच्चों के मार्क्स नहीं कटते हैं बिल्कुल। और वही फिजिक्स में भी वो बच्चे जो बहुत अच्छे हैं जिनका न्यूमेरिकल पे कमांड है उनके मार्क्स नहीं कटते हैं, थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा, स्पेशली फिजिक्स में थोड़ा वर्क करना पड़ता है। लेकिन एसिड बेस सॉल्ट जो है केमिस्ट्री चैप्टर है, एक बार समझते हैं जरा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट करूंगा इस लेक्चर को। तो देखिए एसिड के बारे में सबसे पहले आप ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ आप क्या। कुछ बच्चों के स्कूल में एसिड बेस एंड सॉल्ट हो चुका होगा, किसी के स्कूल में हुआ है? अगर हुआ है तो आप बताइए मुझे, रिप्लाई करिए माइक ऑन करके, क्यों किसके किसी चैप्टर में? अच्छा हो गया है, चलिए अच्छा ग्रीन फील्ड में हो गया, वेरी गुड। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और क्या होता है तो जो नॉलेज आपको वहां से मिली है वेरी गुड, थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा, जो नई चीज है उसको सीख लीजिएगा और जितनी सारी चीजें हैं वो अपने पास ही रखिए। और एसिड होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बेसिक डिफिनेशन स्टार्ट करूंगा। एसिड बेसिकली होता क्या है, एसिड आर कंपाउंड, एसिड क्या है वो एक, हाँ बेटा सर समीर कह रहा है कि उसके फोन में बैटरी नहीं है, उसने भी एग्जाम दिया तो कह रहा है बैटरी खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। तो एसिड्स क्या है, एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड का अगर कोई आपसे बेसिक डिफिनेशन पूछे व्हाट डू मीन बाय एसिड, जैसे आपको याद है जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। सबसे पहले दिमाग में आपको ये आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या होता है, अगर आपको कोई बोले तो आप बोलेंगे नॉन मेटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, एक्सेप्टर होते हैं नॉन मेटल, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। वैसे ही जब हम बात करते हैं एसिड की, तो एसिड क्या है, एसिड और बेस दोनों ही क्या बोलेंगे, इस तरह से दोनों ही कंपाउंड्स हैं। सॉल्ट्स आर आल्सो कंपाउंड, बट अभी यहां बात करेंगे एसिड की। तो एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन्स देते हैं, ये H+ आयन्स देते हैं किसमें, इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम वाटर में ऐड कर दें एसिड को, वाटर में ऐड कर दें तो वो क्या देगा, वो मुझे क्या देगा, H+ आयन देगा। ये बेसिक डिफिनेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो एसिड क्या है, एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन। सबसे पहले इस डिफिनेशन को लिखते हैं हम लोग, साथ साथ लिखेंगे, एसिड्स आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड है। तो एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन्स। वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन्स देता है इन वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन में वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, इसको विद इन ब्रैकेट आप ले सकते हो H+, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए एसिड के एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएगा, जैसे जैसे प्रोसीड होगा सारे एसिड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। H2SO4, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और एक और एसिड की बात करते हैं HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये कॉमन नाम है, याद रखिएगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब ये होता क्या है, जैसे ही आप HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान देना जरा यहाँ पे, जो आपको डिफिनेशन लिखवाई है, तो क्या होगा, आपको मिलेगा H+ आयन। तो H+ आयन निकल जाएगा और Cl-, तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- में। ऐसे ही अगर H2SO4 की बात अगर किया जाए, H2SO4 तो देखिए H पे एक पॉजिटिव आएगा और सल्फर पे SO4 सल्फेट जो है आयन है, तो मुझे पता है सल्फेट पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, तो 2- होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H+, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक H+ है, तो 2+ और 2- मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो H2SO4 इस तरीके से ब्रेक होगा, 2H+ plus SO4 2-।
HNO3 की बात करें तो देखिए H प्लस प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ वन पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलेंगे, HNO3 बनाएंगे प्लस और नेगेटिव, और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए इन ऑल केसेस अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे H प्लस आयन मिल रहा है। तो डेफिनेशन समझो फिर से, अगेन आई एम रिपीटिंग, एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन। तो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर सोल्यूशन में। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एसिड, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड। लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े? यस सर, यस सर। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे HCl आपने लिखा, HCl कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस H2SO4, एक बार साथ में एक बार और ऐड कर लीजिए, इसको लिखेंगे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। और अगर HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 कैसे हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए H प्लस प्लस NO3 माइनस, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए एक स्टैंडर्ड वे में, ठीक है ना, वही नीचे ऐड कर लीजिएगा आप इसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा, आगे जो है हम समझते हैं, और वो है डिफिनेशन ऑफ एसिड के बाद बात करते हैं बेसेस की, कि बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम। मैं इसको इसी स्लाइड पे क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप जो ये जो डिफिनेशन मैंने एसिड की बताई है, इसके बिहाफ पर आप बेस का कॉन्सेप्ट समझ सकें, आप बेस का कॉन्सेप्ट समझ सकें कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने बताया एसिड्स आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन, और बेस के बारे में अगर बात करें तो बेस क्या देता है, OH माइनस, देखिए यहाँ पे H प्लस लिखा है था ना, OH माइनस इन वाटर सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी बेस को अगर पानी में डालेंगे तो मुझे क्या देगा, OH माइनस, इसे कहते हैं OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब आप समझना जरा, तो इसकी डिफिनेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे एसिड से क्या लिखेंगे, बेस। तो बेसिस आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इन वाटर सोल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन फिर क्या बना, इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए सेम डिफिनेशन रिपीट करेंगे, बस एसिड की जगह बेस लगाएंगे और H प्लस की जगह OH माइनस। तो लिखेंगे क्या, बेसिस आर कंपाउंड, बेसिस भी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, बेसिस आर कंपाउंड विच गिव्स वॉट, यहाँ पे एच प्लस आयन था एसिड में, यहाँ पे लिखेंगे OH माइनस, और विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन्स, क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं इन वाटर सॉल्यूशन, इन वाटर सॉल्यूशन, यानी वाटर सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, बेस का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए? यस सर। ओके चलिए, तो देखिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं जरा, एग्जाम्पल क्या हुआ बेस का, मैं बात कर रहा हूँ बेस के एग्जाम्पल की। तो चलिए बेसिस, कुछ बेसिस के बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिस जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये बेसिस है। ठीक है, चलिए तो इसको जरा एक बार इसको समझते हैं कैसे ये ब्रेक होंगे। तो देखिये NaOH को जब ये पानी में आप घोलेंगे तो ये देखो बेटा Na प्लस और प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे KOH को अगर आप ऐड करेंगे तो K प्लस प्लस OH माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड होकर KOH कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम पे 2 प्लस प्लस 2 OH पे माइनस, क्योंकि OH पे माइनस होता है लेकिन दो है, दो OH के पार्टिकल है, इसलिए 2 माइनस और यहाँ 2 प्लस मिलके न्यूट्रल कर देंगे। ऐसे मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, OH पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल करके ये कंपाउंड बना देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ देखो ये, देखो ये सब क्या है, OH माइनस दे रहे हैं, यानी कि क्या डिफिनेशन हो गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, बेसिस आर कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस इन वाटर सॉल्यूशन। क्लियर है, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एसिड की डिफिनेशन, और हमें आ गया बेस की डिफिनेशन, कि एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक बार जरा मैं एक किसी एक बच्चे को कॉल करता हूँ, और एक बार चाहे तो आप देख कर रह सकते हैं, लेकिन चलिए रुद्र, रुद्र बेटा आप बताइए आप की एसिड की डिफिनेशन क्या हुई, एसिड, हाँ एसिड के बारे में क्या बताया मैंने बेटा? सर एसिड्स आर कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर सॉल्यूशन। वेरी गुड,
और ऐसी मुझे तान्या 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 कौन तान्या तोमर, तान्या तोमर बताइए बेस की डिफिनेशन क्या हुई। करण आप बताइए। सर बेसिस आर कंपाउंड व्हिच गिव्स ओएच माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। वेरी गुड, इनके एग्जांपल भी याद रखेंगे। एसिड जैसे मैंने बताया HCl H2SO4, बिल्कुल याद रखना है। देखिए जितने एसिड हम यूज करेंगे तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बेसिस के बारे में देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं MgOH2 को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है HNO3। HNO3 का मतलब, HNO3 बोले तो HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। ये सारे जो नॉमनक्लेचर है ये आपको पता है? यस, नेमिंग कर लेंगे, यस और नो? अगर कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो मैं बताऊं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, और वो है सॉल्ट की। वो है सॉल्ट की, एसिड और बेस के बाद बात होती है सॉल्ट्स। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, और वो इस चैप्टर में आप याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस सर, नमस्ते। हैं, नमस्ते बेटा। जब भी एसिड, मैं तो अभी कनेक्ट हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो डाल दूंगा वहां पे देख लीजिएगा आप, है ना, जो छूट गया आपका। ये एसिड और बेस, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं ऑलवेज क्या बनता है? सॉल्ट्स बनता है। सॉल्ट एसिड्स और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट मिलता है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट बना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो है एक तरह से आप याद कर लीजिए, ये माता पिता हैं, ये उनका बच्चा है। जैसे ही क्या बोलते हैं एसिड और बेस मिले, क्या बन गया? सॉल्ट। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी इसका डिफिनेशन आप समझ लीजिएगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एसिड और बेस जैसे मिलते हैं क्या बनता है बेटा? सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन। चलिए जरा हम देखिए कितने एसिड अभी हमने देखा है। हमने देखा है HCl, हमने देखा है H2SO4, हमने अभी देखा है HNO3, ठीक है। ये हमने देखा है बेटा एसिड। हम बेस की बात करते हैं। बेस में हमने देखा है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अभी फिलहाल के लिए हमने देखा है मैग्नीशियम। ऐसे बहुत सारे भी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, कि और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सारे एग्जांपल बाय पीरियोडिक टेबल लर्न करा दूंगा, लेकिन चूंकि भी स्टार्टिंग है इसलिए मैं ज्यादा अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। चलिए अब आप समझिए जरा, देखिए हम एक एक कॉम्बिनेशन कैसे भी आपको इसके साथ, देखिए आपको बिल्कुल चीजें ना याद हो जाएंगी, आप खुद ही इक्वेशन बनाना शुरू कर दोगे अभी देखना कुछ टाइम के बाद। एसिड, कोई एक एसिड लिख लेते हैं। चलिए तो एसिड लिख लेते हैं HCl। चलिए पहला एसिड उठा लेते हैं, ये और ये प्लस NaOH, चलिए मिला देते हैं एसिड के साथ। ये एसिड है तो इसको लिख देते हैं A, ये बेस है इसको लिख देते हैं B। देखिए क्या बनेगा, समझना जरा एक बार जो लॉजिक है वो कैसे चलती है केमिस्ट्री में। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मुझे पता है H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये कंबाइंड होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाएगा। आप देखिए तो Na और Cl, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो बन गया NaCl। एंड प्लस ये H प्लस और OH माइनस, देखिए ये H और OH माइनस मिलके हमेशा क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब भी एसिड बेस मिलेंगे तो ये नहीं कहूंगा, अभी मैक्सिमम केस में आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। बाकी कहीं पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, वो हम बाद में देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए HCl एसिड था, NaOH बेस था, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? NaCl। NaCl ये एक सॉल्ट है, जो खाना हम खाते हैं ना, खाने में जो नमक यूज करते हैं ना, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, वो सोडियम क्लोराइड होता है। जो सॉल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। और ये कैसे बनता है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। ऐसे ही मान लीजिए, सपोज करिए इसी HCl से आपने मान लीजिए KOH लगा दिया। चलिए HCl से आपने लगा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? देखिए ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया था, एक तो बनेगा KCl और एक वाटर बन जाएगा। ये H और ये OH कंबाइंड करके हमेशा क्या बना लेंगे? वाटर। और ये KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। चलिए इसको जरा इससे मिला देते हैं, तो क्या बन गया? HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना जरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए ये बनेगा Ca और यहाँ Cl है,
और CaCl से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? कैल्शियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस करते हैं ना, तो Ca1Cl2 तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। और मैंने आपको बताया था एज यूजुअल क्या बनेगा? वाटर। तो देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आप बैलेंसिंग तो मैंने सिखाई, तो मैं बैलेंस नहीं करूंगा, आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा और ये सब चीजें आपको आती हैं। अब देखिए इसको आप इसके साथ ही मिला सकते हैं, तो क्या बन गया? HCl। मैं एक कर रहा हूँ, ये दोनों आप अभी करेंगे इनके इनके साथ कॉम्बिनेशन बना करके, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे सॉल्ट मिल जाएंगे। तो HCl के साथ मैंने बना दिया MgOH ट्वाइस, तो आपको क्या मिल गया? देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलकर तो वाटर बना लेंगे, और यहाँ Mg और Cl मिलकर क्या बनाएगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, वेरी गुड। और ये एक सॉल्ट है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे करूंगा। केवल आपके पास देखिए 7 कॉम्बिनेशन है, मतलब 3 एसिड और 4 बेस, और देखो आप कितने सारे सॉल्ट फॉर्म कर ले रहे हो। यस और नो, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। अब बात करते हैं, अभी इसको लिखना नहीं है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलिए डेफिनेशन के लिए यहाँ पे पेज है, थोड़ा सा स्पेस है, तो इस स्पेस पे हम इसकी डेफिनेशन को समझाते हैं आपको। क्या है सॉल्ट? तो अभी मैंने आपको बताया था एसिड्स आर कंपाउंड, ठीक है, बेसिस आर कंपाउंड। एसिड और बेस जो कंपाउंड है वो कंपाउंड होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। देखिए यहाँ पर जो है न्यूट्रल कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, ये भी कंपाउंड है। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करते हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट में कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन को वैसे ही रखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? तो लिखेंगे सॉल्ट्स आर कंपाउंड, ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए आयोनिक कंपाउंड। ये क्या है? इसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जितने भी सॉल्ट होते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाते हैं हमेशा। आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक नया काइंड ऑफ रिएक्शन आ गया, ये तो आपने पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अभी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर कर दूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बात समझना जरा, मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। देखिए सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए एसिड बेस को हम मिला रहे हैं, न्यूट्रल कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पे H+Cl-, यहाँ पे Na+OH-, ये प्लस माइनस से मिलकर न्यूट्रल हो जा रहा है, और ये प्लस सोडियम प्लस और Cl- मिलकर न्यूट्रल हो जा रहा है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से मिलकर क्या हो रहा है? न्यूट्रल बन जा रहा है। तो इसलिए सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं, और फॉर्म क्या हो रहा है? सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। इसको लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए। पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, और उसके बाद आप ये एसिड और बेस ये चार्ट बना करके ये सारे एग्जांपल लिख लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल बताया नंबर 1 ये, नंबर 2 मैंने यूज किया था ये वाला, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये, ठीक है। ये चारों एग्जांपल लिखिए, चार ही नहीं मैं आपको 8 लिखवाऊंगा, क्योंकि 4 यहां से मिलेगा, 4 यहां से भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़े फिर? अगर आपने लिख लिया yes, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, एक बार देखता हूँ जरा। यस 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 सर। एक बार जरा हमें जरा हरी झंडी जरा मिल जाए ऊपर से। ये कहाँ है वो क्या कहते हैं सेंट्रल में जो बैठा हुआ है प्रधानमंत्री PM तान्या पुरवाल एक बार ओके कह दे तो फिर हम आगे बढ़े। तान्या, अर्जुन, तान्या पुरवाल, तान्या है कि नहीं आज क्लास में? एक मिनट, तान्या तुम हो तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बोला आपसे कि आपने कर लिया? नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो
हाँ तान्या बताओ मुझे कि तुमने कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, वेट कर रहे हैं हम लोग। आप चैट पे रिप्लाई कर दो, चैट पे रिप्लाई करो। ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, जैसे कर लीजिएगा तो फिर रिप्लाई भी कर दीजिएगा जरा, है ना, कि हो जाए जब आपका तो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। सर उसने लिख दिया डन। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आप लोगों को पता चल गया एसिड क्या होता है, तो मैंने आप मैं को फिर से एक बार बता देता हूँ। एसिड्स आर कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन। तीन चार एसिड के बारे में हमने देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये हमने क्या बोलते हैं, एक बार देख लिया था। अब रिचा अपना माइक ऑन ऑफ कर लिया करो बेटा। नेक्स्ट जो है वो है बेसिस। बेसिस आर कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन ओएच माइनस इन वाटर सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमने देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ठीक है, तो हमको एसिड के बारे में तो पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, क्योंकि एसिड दो तरीके के होते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वो वीक एसिड होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जरा एक बार समझते हैं कि कैसे आप डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो देखो, अगर मान जो आपने एसिड की कुछ बूंद जो है वो वाटर में डाली, तो अगर वो H+ आयन दिया तो इससे हम समझ जाएंगे वो एसिड है। लेकिन अब यहाँ पर H+ आयन देने से ये तो चल जाएगा कि वो एसिड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को पहचानने का तरीका ये है, अगर H+ जितना आपने ड्रॉप डाला वो सारा का सारा अगर आयनाइज हो गया, फुल्ली आयनाइज, अगर फुल्ली आयनाइज हो जाता है तुम्हारा क्या बोलते हैं एसिड, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर मान लीजिए पार्शियली आयनाइज होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक वीक एसिड कहलाएगा। इसको एक बार समझते हैं क्या है इसका मतलब, मैंने क्या बोल दिया वो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपने HCl लिया, HCl के मान लीजिए 10 ड्रॉप, हम ऐसे समझाने की बता रहे हैं, आपने 10 ड्रॉप लिए HCl के, है ना, और आपने वाटर में डाल दिया। ऐसे वाटर में डालते ही आपको 10 H+ आयन मिल गया, 10 H+ आयन, क्योंकि यहाँ पे 10 H+ आयन मिलेगा, 10 Cl- मिलेगा। आप बात समझना, अगर कंप्लीटली आयनाइज हो गया इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन वहीं पे देखिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसको अगर आप पानी में डालेंगे, मान लीजिए आपने 100 पार्टिकल लिया, 100 ड्रॉप लिया आपने, ये समझाने के लिए, तो होता क्या है, नाइट्रिक एसिड में हो सकता है केवल आपको दो ही H+ आयन मिले, बाकी CH3COO- दो ब्रेक हो जाए, बाकी 98 जो होगा 98 CH3COOH+ जो है वो उसी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। यानी यहाँ पर 100 H+ आयन ना मिलकर के कम H+ आयन मिला, चूंकि H+ आयन दे रहा है इसलिए एसिड कहलाएगा, लेकिन चूंकि पार्शियली आयनाइज हो रहा है इसलिए ये एक वीक एसिड कहलाएगा। एसिड तो है लेकिन कैसा एसिड है, एक वीक एसिड है। तो अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को एक बार समझते हैं कि ये क्या है,